और प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के लिए 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। चित्रकूट में आज संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक, कहां से कहां तक भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान निकालेंगे किसान ट्रैक्टर यात्रा। देश की अहम खबरों को देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। पीएम देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर अब 48 हो जाएगी। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का माहौल बनाना चाहती है। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक आज से चित्रकूट में शुरू होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे, जबकि देश के दूसरे हिस्सों से लोग बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम हो गई है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा आज उनके पिता के पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी गांव पहुंचेगी। यहां चिराग अपने साथ हुए व्यवहार पर स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। इससे पहले बेगूसराय में चिराग ने एक बार फिर बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होने का दावा किया। भारतीय किसान यूनियन आज शामली से सिंघू बॉर्डर तक किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में चल रहे आंदोलन के बीच बीकेयू 1 अगस्त से दूसरा आंदोलन शुरू करेगी। बीकेयू के बैनर तले किसान 8.5 करोड़ का गन्ना बकाया, बिजली दर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के मुद्दे पर गांव-गांव जाकर आंदोलन करेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के 49वें जन्मदिन के मौके पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें शुभकामनाएं देने उनके घर पहुंची। ये पहला मौका है जब ममता गांगुली के घर पर गईं। बताया जाता है कि सौरभ ने ममता को एक साड़ी भी गिफ्ट की है। गांगुली और ममता की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता इस दौरान कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक मसलों के अलावा तकनीकी सैन्य सहयोग, विज्ञान, संस्कृति और मानवीय पहलू पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों के नंबर्स के कैलकुलेशन से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इसे जल्द सुनवाई के लिए आज के लिए निर्धारित किया। इससे पहले मामले की सुनवाई पर 28 अगस्त की तारीख तय की गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होगी। अदालत ने हाल ही में मामले में पी चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ समन जारी किया था। मामले की सुनवाई विशेष सीबीआई जज MK नागपाल कर रहे हैं। मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला मैच आज नॉर्थहैम्पटन में खेला जाएगा, दूसरा मैच 11 जुलाई को और तीसरा मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत पर अपने खराब फॉर्म से उबरने का दबाव है। इससे पहले वनडे सीरीज में भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।